नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त छत्रपाल, स्वागत आपके हमारे YouTube चैनल से जी फार्मर छत्रपाल ब्लॉग में। तो सभी 2 दिन से हल्की बारिश हो रही थी, जिसके चलते बाहर निकलने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। अभी मौसम थोड़ा खुला हुआ है, आप देख सकते हैं मौसम यहाँ पे किस तरह से है, और अभी भी हल्की बारिश है। आज की वीडियो की शुरुआत दोस्तों मैं घर से कर रहा हूँ। मेरे घर में कुछ पेड़ लगे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मीठा नीम का पेड़ है, जाम है, सीताफल है, और कुछ और फूल के पेड़ भी है, और मैं कहावत है घर के मुर्गी दार बरोबर। तो वैसा ही हमारे घर में जाम का स्थिति है, और जाम यहाँ पे इतने सारे गिरे रहते हैं तो कोई भी खाने के लिए रेडी नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग सभी लोगों के घर पे जो है जाम और आम का पेड़, सीताफल का पेड़ और पपीते का पेड़ ये कॉमन है। तो यहाँ पर जो है लोग खाने के लिए थोड़ा सा कतराते हैं। तो चलिए फिर तैयारी करते हैं पोल्ट्री फार्म जाने की। मैं इसलिए रखता हूँ रेनकोट, ये मेरा थोड़ा सा ब्लॉगिंग का सामान, और ये है मेरी प्यारी सी राम प्यारी, इसके डिक्की में रख लेता हूँ मैं अपना सामान को, और करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। जो मॉडल है दोस्तों 2016 की सुपर स्प्लेंडर मॉडल है, और 2016 से ही ये मेरे हर दुख सुख के साथी रही है, और जब मेरे मार्केटिंग काम जितना भी किया है इसमें किया है, आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं गया। बहुत ही शानदार गाड़ी है, आपकी गाड़ी में ऐसी बात नहीं रहती है। आज कोशिश करूँगा आपको जो बाहर का व्यू है रास्ते का वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का सांस्कृतिक भवन है, ये यहाँ का विश्वा फैमिली ढाबा है, बहुत ही पुराना ढाबा है ये और बहुत समय से चलता आ रहा है। और इसके बाद दोस्तों ये एक राइस मिल है, इसके बाद दोस्तों पड़ता है एक स्कूल, प्रतिभा पब्लिक स्कूल है, और काफ़ी बड़ा और काफ़ी पुराना स्कूल है यहाँ का। और यहाँ मैं हर रोज़ अपने गाड़ियों में डलाता हूँ पेट्रोल, तो आज भी यहाँ मैं पेट्रोल डालने के रुका हुआ हूँ। इसके बाद हम आगे का सफ़र तय करेंगे और आगे का नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा। मेरा जो क्षेत्र है दोस्तों वो जंगल, खेत, पहाड़ और मंदिरों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो सफ़र है काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ना आपको ट्रैफिक मिलता है, ना शोर शराबा होता है, ना ही पॉल्यूशन का दिक्कत है, काफ़ी शांत दिमाग से आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, एकदम टेंशन फ्री, हवा भी शुद्ध मिलता है, तो आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होती इन रास्तों में गाड़ी चलाने में। और अब दोस्तों काफ़ी सारे लोग फार्मिंग के लाइन में आना चाह रहे हैं, बड़े बड़े खेतों को लेकर के लोग फार्मिंग कर रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं किसी ने यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा फार्मिंग किया है, डबल फसल यहाँ पे लोग लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन और खेत का बनना दोस्तों मैंने देखा हुआ है, तो इसके जो ऑनर है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। अब दोस्तों मैं अपने फार्म के नज़दीक पहुँच चुका हूँ। यहाँ का जो रास्ता है दोस्तों काफ़ी कच्चा रास्ता है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो फार्म है वो थोड़ा सा आउटर में होना चाहिए। अपने फर्म में दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं, और अब करते हैं माता रानी के दर्शन और माता रानी से लेते हैं आशीर्वाद। आज अपने पोल्ट्री फार्म में दोस्तों मैं निकालूंगा FCR, आपको ही बताऊंगा इसके बारे में कि कैसे FCR निकालते हैं। सबसे पहले आप अपने जो दाना बोरी है उसको गिनती कर लीजिए कि कितनी बोरियाँ आपके पास बची हुई है और कितनी बोरियाँ जो है आपने अभी तक मंगाया हुआ है, और उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों बलदेव जो है मुर्गियों को पकड़ रहा है, और इसका हम लोग करेंगे भी वेट। वेट करने के पहले दोस्तों मैं अपने कार्ट को कर लेता हूँ 0, और आप जब मुर्गी पकड़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 9 मुर्गी होनी चाहिए और एक मुर्गा होना चाहिए। 10 मुर्गियाँ टोटल है हम लोग डालेंगे, और उसके बाद ये मैंने 10 मुर्गियाँ डाल दी है, अब इसमें एक मुर्गा है, और इसको हम लोग फिर कर देते हैं प्री, और जो मेरा वेट आया है उसके हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड करना है 10 से। जैसे कि मेरा जो वेट आया था 10 किलो 600 ग्राम आया था, तो उसका मैंने 10 से डिवाइड कर दिया है। ये जो हिसाब आया है दोस्तों एक मुर्गी का है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास चूजे कितने आए थे और अभी मॉर्टलिटी कितनी हुई है, और जितने भी चूजे आए थे उसमें से आपको मॉर्टलिटी को माइनस कर देना है। जैसे कि दोस्तों मेरे पास जो चूजे आए थे 3850 आए थे, जिसमें से 99 अभी जो है मॉर्टलिटी हो चुकी है, तो उसमें अभी बचे 3751 चूजे बचे हैं। तो ये जो 3751 जो चूजे बचे हैं उसका जो गुना करना है वो आपका जो एक चूजे का जो बॉडी वेट आया था जो आपने निकाला था उससे गुना करना है, और उसको किसी एक जगह कॉपी में नोट करके रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना जो दाना बोरी का हिसाब है उसको निकालना है। जैसे कि अभी तक मेरे फार्म में 114 जो बोरी है वो आ चुका है, और अभी जो है 35 बोरी बचा हुआ है, तो
आपको 114 में से 35 माइनस करना है और जो बुरी बचेगा उसको जो है आपको आपका जो बोरी का वेट है उसके हिसाब से गुणा कर देना है। करने के बाद दोस्तों जो दाने का वेट आएगा उसको आपको कहीं नोट करना है और जो दाने का वेट है उसमें आपको चूजों का जो बॉडी वेट है उसको डिवाइड कर देना है, तो उसके बाद आपका FCR निकल के आ जाएगा। काफ़ी दिनों की मशक्कत के बाद दोस्तों आज जो है ट्रैक्टर वो आया हुआ है जोताई के लिए और देखते हैं कि आज जोताई हो पाएगा नहीं क्योंकि दो दिनों में बारिश हुई है तो ज़मीन जो है अभी थोड़ा गीला है और अगर हो जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, भैया कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। ज़मीन में जो है वो चक्का धंसता हुआ दिख रहा है तो थोड़ा सा उम्मीद कम लग रहा है मुझे और फाइनली जो है ये काम नहीं हो पाएगा लग रहा है। फाइनली भैया वापस जाते हुए, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आने वाले वीडियो के लिए बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी फार्मर छत्रपाल ब्लॉग में। धन्यवाद।